करी, यो कांड तो नहीं किया क्या फोन करके? ये हमारी छोरी है, आप इससे पूछिए ये आदमी से जबरदस्ती उठाकर लाया था कि नहीं। झूठा आरोप है ये इंस्पेक्टर। कड़क जी मारी पत्नी है और मैं उनके पापा सा से अनुमति लेने के बाद उनको यहाँ लेकर आया हूँ। जो आपने यकीन ना रहो ना तो लीजिए, राणा साहब जी से आप खुद बात कर लीजिए। वो तो तेरी ही जबान बोलेंगे ना, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कनक अब बालिग हो चुकी है, वो जो कहेगी वही होगा। पूछ लीजिए हमारी छोरी से, शादी करने के बाद इसने इसे कितनी तकलीफ दी है और अब इसे मारपीट भी करता है। बताइए मिसेस कनक, आपकी मासा जी जो कह रही हैं क्या वो सच है? क्या आपको वाकई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाया जा रहा है? अरे कुछ तो बोलिए कनक जी। देख लिया इंस्पेक्टर साहब, अब आप इस आदमी को गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। हथकड़ी लगाओ मुझे। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे भाई साहब को ऐसे ना ले जा सकते। मेरे भाई साहब ने कुछ ना किया, भाभी साहब भी गुस्से में है, उन्हें खुद ना पता वो क्या कर रही है। कनक बेटा जा, जाकर अपना सारा सामान ले, मैं तुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। भाभी साहब, भाभी साहब इतना पत्थर दिल ना बनिए, ऐसे निभाएगी भाभी साहब ये रिश्ता? भाभी साहब वो तो हर हाल में ये रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ। भाई साहब ना आपको थोड़ी सी भी तकलीफ देते तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ उन्हें खुद को पहुंचती है। एक बार आप उनको अपनी नजर से देख के देखिए, आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना मान देते हैं। बैग छोड़ रसाल। जब तक आप बड़ी भीम साहब से कह के ये कंप्लेन वापस ना लेती, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। रसाल, मुझे लगा था कम से कम तू मेरी तकलीफ समझती है, क्योंकि तू भी उसी दर्द से गुजर रही है, वही सब झेल रही है जो मैं झेल रही हूँ। पर नहीं, तू कुछ नहीं देखना चाहती तेरे भाई के आगे, कुछ नहीं समझना चाहती है ना। साल मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ पे, मेरा दम घुट रहा है। जरा एक बार सोच के देखिए, अगर राणा बाबू सा ने उस दिन भाई साहब की जगह किसी और से आपका ब्याह करा दिया होता तो क्या आप वहाँ ये रिश्ता निभाने की कोशिश ना करती? तो आप क्यों मेरे भाई साहब के साथ रिश्ता निभाना ना चाहती भाभी साहब? उन्होंने तो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है ना भाभी साहब, और आप क्या कर रही हैं? हाथ पकड़ने की बजाय उनके हाथों में हथकड़ियां डलवा दी। ये है शादी का बंधन आपके लिए? हाँ बंधन, ये गठबंधन ना मेरी आत्मा का बंधन बन चुका है। ये नहीं निभाना मुझे कोई बंधन। इस बंधन ने ही आपको समाज में फिर से उठने लायक बना दिया था ना भाभी साहब। जब सबने आपसे मुंह मोड़ दिया था, आज आप सबके सामने उन पर इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने आपके साथ अत्याचार किया है। लेकिन भाभी साहब आपके दिए तानों का क्या? कदम कदम पे बेइज्जत करना, सजा देना, जानवरों की तरह पेश आना, उन्होंने तो फिर भी आपको माफ कर दिया और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ही तो करी ना। हाँ हूँ मैं स्वार्थी, मैं स्वार्थी, तेरा भाई महान, पर मुझे नहीं चाहिए ऐसी महत्ता की मूरत। ना तू, ना तेरा भाई और ना ये रिश्ता, नहीं चाहिए कुछ भी। क्या
क्यों इतनी चिड़मिरा रही है? अरे अपनी ही छोरी का ब्याहता जीवन बर्बाद करने में क्यों तुली हो, जबकि उसका ब्याहता जीवन शुरू भी नहीं हुआ और तुम क्यों? क्योंकि मैं इस छोरी को अपनी बेटी के संसार में नहीं चाहती। भाभी जी मेरी बात सुनिए। कनक चली अपने ससुराल और शिवराज चला सरकारी ससुराल। खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई साहब ने कुछ न किया, उन्हें छोड़ दीजिए। चल बेटा। जो तुमने ये चौखट लांगी, तो मान लेना सब कुछ खत्म। ये शादी, ये रिश्ता, सब कुछ खत्म। और तुझे क्या लगता है मैं ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाने के लिए तड़प रही हूँ? कनक जी, रिश्ता हमारे लिए भी जबरदस्ती का ही था, जब आपके बाबा साणे मारे से आपका हाथ थामने के लिए कहा था। लेकिन एक बार जो मैंने आपका हाथ थाम लिया ना, उसके बाद इस रिश्ते को और इसकी पवित्रता को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया है। यहाँ तक कि मारी बहन ने अपनी जिंदगी दांव तक पे लगा दी। आखिरी बार बस ये कहूंगा आपसे, अपने बाबा साहब की इज्जत और मारी बहन का त्याग, इन दोनों के बारे में एक बार सोच लेना, उसके बाद जो फैसला लेना है ले लेना। और वैसे भी मैंने आपसे 15 दिन ही तो मांगे थे हमारे इस रिश्ते के लिए, उसके बाद तो आप वैसे भी आजादी है ना। चल बेटा चल, इसकी बकवास मत सुन, कान में रीडल और चल यहाँ से। चल, हमारे बारे में ना सोच रहा है ना सोचिए, पर अपने बाबा साहब का मान सम्मान, उसके बारे में तो सोचिए।